अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामईन, मैं हूँ मोहित सुल्तान और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी तारीखी इमारत में जो कि इलामा इकबाल के मोहल्ले में मौजूद है और इस बिल्डिंग को 1935 में तमीर किया गया। ये बिल्डिंग अपने आप में एक तारीखी हैसियत रखती है और इसे बहुत ही मुनफरद तरीके से तमीर किया गया। आज हमारे साथ इस बिल्डिंग के ऑनर मौजूद हैं, आइए इनसे इस बिल्डिंग की तारीख के बारे में जानते हैं। सियालकोट की यह तारीखी बिल्डिंग शहर के वस्त में मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के आबाई मोहल्ला में वाक़िया है। इसका मुनफरद डिज़ाइन आज की बड़ी बड़ी इमारतों को मात देता है। चार मंजिलों पर मुश्तमिल यह बिल्डिंग सियालकोट की तारीख का एक अहम पहलू है। इस बिल्डिंग की खास बात यह भी है कि जब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना सियालकोट आए तो वो भी इस इमारत की खूबसूरती देखकर इसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। कायद आज़म इस बिल्डिंग में तशरीफ़ लाए और कुछ देर यहाँ पर क़याम भी किया। इस बिल्डिंग पर खड़े होकर आप पूरे शहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो हमें इस बिल्डिंग की तारीख के बारे में बताइए। ये बिल्डिंग 1935 में बनाई गई और ये मेरे नाना ने तमीर कराई थी। आपके नाना क्या करते थे? टेलर मास्टर थे। पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान। सर ये बिल्डिंग बहुत ही अनोखी किस्म की बनाई गई है, इसका नक्शा कहाँ से लिया गया था? ये हांगकांग से आया था। हांगकांग से? नाना जो थे वो हांगकांग में होटल में ठहरे थे, उनको पसंद आ गया, उन्होंने उधर से वो नक्शा ले कर फिर दिलाया पाकिस्तान। सर इस बिल्डिंग में कौन कौन सी शख्सियात रहाइश पजीर हैं? ये कायदे आज़म लामा इकबाल के घर जा रहे थे, उन्होंने पूछा ये बिल्डिंग किसकी है, उन्होंने कहा यह टेलर मास्टर अब्दुल मजीद की है। कायदे आज़म ने कहा मैंने मिलना है, फिर कायदे आज़म बैठ के चाय पी के फिर लामा इकबाल के घर चले गए थे। इस बिल्डिंग का नाम क्यूम विलास रखा गया, ये किसके नाम पर था? ये मेरे मामू थे, ये मास्टर मजीद के बेटे थे कजूम साहब। ये इमारत कितने रकबे पर मुश्तमिल है? ये 16 मरले में है और इसकी एक पोर्शन की हाइट जो है ना 22 फुट पे है। जो आजकल बिल्डिंगें बनती हैं उनकी तकरीबन 10 या 11 फुट पे होता है, उस हिसाब से ये एक फ्लोर जो है ना ये आजकल के डबल के बराबर है। तो जब जलजले वगैरह आते हैं इस बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचता? जब ये जलजला आया था तो ये बिल्डिंग देखने वाले यही कहते थे आधी रोड पे जाती थी, आधी रोड से फिर वापस आ जाती थी, मगर इसको कुछ भी नहीं हुआ। इस बिल्डिंग में जो फर्नीचर मौजूद है वो कहाँ से इंपोर्ट हुआ था? वो पाकिस्तान में ही बना था और 1935 का ही बना हुआ है। ये जितनी अंदर सेटिंग है ये तब हवेली बनी थी, उसी वक्त सेटिंग हुई थी। अभी इधर कौन रिहाइश पजीर है? अभी ये बस हाली है, हमारी फैमिली ज़्यादातर बाहर होती हैं, जब वो आती हैं फिर सारे मिलके इधर ही रहते हैं। जी तो नाज़रीन हम मौजूद हैं सियालकोट की एक ऐसी तारीखी इमारत में जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान भी चाय पी चुके हैं और ये इलामा इकबाल के मोहल्ले कश्मीरी मोहल्ले में वाक़ है। सियालकोट के मुतालिक इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।